हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज दोस्तों मैं सीए रिफॉर्म्स के बारे में बात करूंगा, जो आप सुन ही रहे हो और आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हो। बट यस, काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है, जो सीए कर रहे हैं, जो सीए स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लोग अपनी दुनिया में खोए हैं। उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है या उस उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, काफ़ी एक बच्चा भी ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा भी ऐसा ना रहे जो इसके बारे में इन्फॉर्म्ड ना हो। तो अगर ये वीडियो से एक बच्चे को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सर ये क्या चल रहा है और कैसे ये आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है, कैसे हर बच्चा जो सीए का सपना देख रहा है उसके लिए ये अच्छा है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं जो सीए मुझसे पढ़ चुके हैं या मुझे जानते हैं, तो प्लीज़ ये मैसेज आप अक्रॉस लेके जाइए। तो एक टॉपिक ऐसा है जो आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, पर एक टॉपिक इसमें ऐसा होगा जो मैं नया उठा रहा हूँ और एक नई चीज़ है जो काफ़ी लोग बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग बात कर भी रहे हैं, बट वो चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और रिवैल्यूएशन जिसकी मांग की जा रही है, रीचेकिंग की जिसकी बात की जा रही है, वो प्रीडोमिनेंट तो है ही, पर सिर्फ आइसोलेटेड उसको अमेंड करने से स्टूडेंट्स का 100% फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा भी लग रहा है। तो लेट्स डिस्कस, आप भी सोचिए, आप भी बताइए क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मांग है, क्या रिक्वेस्ट है आईसीएआई से। और एक ही रिक्वेस्ट है सर, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर रिक्वेस्ट रखी गई है, और बिल्कुल उसको डाइल्यूट करने का कोई सामने वाले के पास स्कोप ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही एक ही मांग है कि हमको री चेकिंग का राइट चाहिए। तो अभी रेगुलेशन क्या बोलता है, आईसीएआई अभी रेगुलेशन के तहत ही काम कर रहा है। तो वो क्या रेगुलेशन है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं, सीए और सीए स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, वो हम आप भी बात करेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 39 रेगुलेशन की बात हो रही है, जो है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के बारे में। इसका जो सब रेगुलेशन है, दैट इज 4, उसकी बात हो रही है। इसको अमेंड करने के जो हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और जो कि होके ही रहेंगे इस बार। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस जो एक यूनिटी दिखी है सीए के बच्चों में, वो बहुत रेयर है। अभी तक इतनी यूनिटी कोई भी टॉपिक के लिए मैंने अपने लाइफ में अभी तक देखी नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लगे रहे ऐसे ही, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है। और ये चीज़ कोई भी अगर सुनेगा तो वो यही समझेगा। और मैंने आपको एक और वीडियो पहले भी कुछ दिन, एक आध हफ्ते पहले ही डाल के बताया था कि ये कितना बेसिक राइट है। इतना बेसिक राइट नहीं दिया जा रहा है, कितना बड़ा अत्याचार ये सालों से किया जा रहा है, ये सबको अभी पता चल रहा है। और आईसीएआई एक तरह से बेनकाब हो गया है कि वो क्या कर रहा था इतने सालों से। और जो 10th और 12th को राइट्स दिए जाते हैं, सीबीएसई, जो 10th और 12th के बच्चों को, इतने बेसिक लेवल के एग्जाम वालों को ये राइट दिया जाता है, और हमको इतने हाई लेवल प्रोफेशनल एग्जाम में ये राइट नहीं दिया जाता है। कितना बड़ा ब्लंडर है ये अब सबको पता चल रहा है। और इसीलिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी मेहनत है आईसीआई की। उनको सिर्फ ड्राफ्ट वो अमेंड ही करना है, जो वो हर समय समय पे उसको अमेंड करते आए हैं। बस ये फायदा बच्चों के लिए है, जो मेजोरिटी फीस वो कमाते हैं, आई होप वो भूल गए हैं कि वो स्टूडेंट से ही आती है। प्लीज उनके लिए भी कुछ कीजिए, जिनसे आप कमा रहे हो, जिनके बलबूते पे आप टिके हुए हो। देखिए आपकी एनुअल रिपोर्ट, आप देखिए कितना कमा रहे हो, कीजिए उनके लिए। बच्चे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कोर्स हर बच्चा सीए करेगा। जो नेगेटिविटी चल रही है इतने समय से, सब अवेयर हैं उसमें, तो प्लीज ये स्टेप लीजिए। बहुत ही बड़ा बूस्टर ये प्रोफेशन के लिए होगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये क्या है। बेसिकली ये क्लॉज वेरिफिकेशन के लिए, कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, सर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूट करता है वो इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, पहला जो सब रेगुलेशन का क्लॉज है वो है इंफॉर्मेशन एज टू वेदर द कैंडिडेट्स आंसर इन एनी पर्टिकुलर पेपर और पेपर्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन हैज बीन एग्जामिन्ड। ठीक है, पहले वो चेक करेंगे कि एग्जामिन एंड मार्क्ड है कि नहीं, मतलब वो देखेंगे कि कोई अनचेक्ड आंसर तो नहीं है, तो रह तो नहीं गया ह्यूमन एरर से, एक आध पेज, एक आध क्वेश्चन, कोई भी चीज छूट तो नहीं गई है, अनचेक्ड तो नहीं रह गई है, वो पहले देखेंगे। और अगर वो अनचेक्ड है तो ही उसको वो चेक करेंगे और मार्क्स अलॉट करेंगे। ठीक है, नंबर वन, शैल बी सप्लाइड टू द कैंडिडेट ऑन ए सबमिशन विद इन अ मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द सीट एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन अकॉम्पनीड बाय द फी एज मे फिक्स बाय द काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 500, जो कि वो 500 ही ले रहे हैं, जो मैक्सिमम उन्होंने रखी है वो मैक्सिमम फी ली जा रही है। ये भी बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ठीक है, आप अप्लाई करो और वो पूरा चेक करेंगे। अब वो क्या करेंगे, द फी शैल ओनली बी फॉर वेरीफाइंग वेदर द कैंडिडेट्स आंसर इन एनी पर्टिकुलर पेपर और पेपर हैज बीन एग्जामिन एंड मार्क्ड। बस यही वो पहला सबसे बेसिक चीज वो चेक करेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया,
कुछ अनचेक तो नहीं रह गया है, तो चेक करेंगे और वो बाकायदा मार्क्स अलॉट करेंगे और मार्क्स वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है एग्जामिन एंड मार्क्ड है कि नहीं। एंड यहां से सर जो बगावत हो रही है वो यहीं हो रही है, एंड लिखा हुआ है नॉट फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ द आंसर्स। जिनको मार्क्स अलॉट हो गए हो, 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी हैं, अगर वो चेक हो गया है तो उसको वो हाथ नहीं लगाएंगे, उसको वो रीचेक नहीं करेंगे, उसको वो सजेस्टेड आंसर से फिर से मैच नहीं करेंगे, और मार्क्स अलॉट करने में अगर गलती हुई है तो वो रीचेक नहीं होता है। तो ये है आपका एग्जिस्टिंग लॉ जो आईसीए फॉलो कर रहा है, तो यही है जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि एंड वाला लाइन डिलीट हो जाए और वहां लिखा जाए कि वो पूरा का पूरे सारे जो उसके क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, वो रीवेरीफाई किए जाएं, रीचेक किए जाएं नए सिरे से, एज इफ कि वो पहली बार चेक हो रहा है। ये हमारी डिमांड है, सिंपल सी डिमांड है कि हम चाहते हैं कि वो ही पेपर कोई और एग्जामिनर या और कोई चेकर उसको दोबारा चेक करे बिना ये देखे कि पहले क्या अलॉट हुआ है। हम चाहते हैं कि अफ्रेश वो पेपर चेक किया जाए, रिव्यू किया जाए, और उसमें अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो बच्चों के मार्क्स बढ़ाए जाने चाहिए, पुराने जो अलॉट मार्क्स किए गए हैं उसको इग्नोर करके वो चेक करना चाहिए। ये है हमारी सर डिमांड, और बहुत ही लेजिटिमेट, बहुत ही नॉर्मल सी डिमांड है जिसको फुलफिल करने में मुझे नहीं लगता कि आईसीआई को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आई डोंट नो इतना ऐसा क्यों रूड बिहेवियर है आईसीआई का, आई डोंट नो उनको क्या पहाड़ हिलाना है उसमें, उनको सिर्फ एक नॉर्मल सा अमेंडमेंट लाना है जो वो जब अलग अलग समय पर ला चुके हैं, अलग अलग समय पर इतने बार एक्ट को ऑलरेडी अमेंड कर दिया गया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम है? हम सब बच्चे जो भी दिल्ली पे मतलब खड़े हैं, जो भी टीचर्स खड़े हैं, बस यही पूछना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अमेंडमेंट लगेगा वो तो हमको भी पता है, वही तो हम बोल रहे हैं आपको कि आप लॉ के दायरे में ही हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लॉ बदलो, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि आप लॉ को वायोलेट करके स्टूडेंट को बेनिफिट दो। हम यही चाहते हैं कि आप लॉ का दायरा बढ़ाओ और उसके तहत वो बेनिफिट दो। और लॉ को अमेंड करने में प्रॉब्लम क्या है हमको बस ये बता दीजिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपका मूड नहीं है वो अलग बात है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और इसके बिना आपका प्रोफेशन नहीं चल पाएगा। ये जब तक आप समझोगे नहीं, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते रहोगे और आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ियां मारते रहोगे। सीरियसली बोल रहा हूं, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ठीक है, तो ये सर एक है, बाकी तो ठीक है। और ये एक ये वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ सच वेरिफिकेशन इट इज डिस्कवर्ड दैट दे हैव बीन ईदर एन ओमिशन, ठीक है, ओमिशन टू एग्जामिन और मार्क एनी आंसर और आंसर्स, और देर हैज बीन मिस्टेक इन टोटलिंग। ठीक है, ओमिशन वही मैंने बताया, कोई चेक नहीं किया गया है या कैरी फॉरवर्ड में कोई मिस्टेक है, टोटलिंग में मिस्टेक है, तो बस वही चेक किया जाएगा। और अगर एक मार्क भी या रिजल्ट बच्चे का बदलता है तो बाकायदा वो पैसे जो वेरिफिकेशन के लिए लिए गए थे वो आपको रिफंड किए जाएंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आई थिंक 250 लिए जाते हैं, सॉरी मैंने शायद 500 बोला होगा आपको, वो सर्टिफाइड कॉपीज के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाने के लिए आपको 500 पर पेपर देने पड़ते हैं, पर पेपर। ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए आई थिंक 250 दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है सर जिसके बारे में पूरा बवाल है, और ये जो फ्रेज है, ये जो सेंटेंस है, इसके बारे में ही पूरा प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि एंड नॉट फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ द आंसर्स। ये पावर उनको नहीं है, स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है वो, तो बस हम यही चाहते हैं कि इसको रीड्राफ्ट किया जाए, ये प्रोहिबिशन हटाया जाए और उसमें पावर लाया जाए कि यस आप री एग्जामिन कर सकते हो, और उसके बारे में और डिटेल उसमें प्रोविजन डालो कि वो कितने समय में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी आप थोड़े बहुत उसमें डिटेल इनकॉर्पोरेट करें, और ट्रांसपेरेंसी लाएं कि कैसे चेक होगा, कौन रीचेक करेगा, कितने समय के अंदर वो डिक्लेयर होगा, उसकी क्या फीस होगी, हर चीज उसमें एक्सप्लिसिटली ट्रांसपेरेंटली आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो है जो बात चल रही है, जो सबको पता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब है जो नई चीज़ है जो मैं पकड़ रहा हूं और जो काफी लोगों को पता है, वो है सब रेगुलेशन 2, जो अत्याचार हो रहा है और जिसके खिलाफ इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं पर डायरेक्टली नहीं बात कर रहे हैं। इसको आप बोलते हो मॉडरेशन, ठीक है, मॉडरेशन की पास परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए आईसीएआई ने गवर्नमेंट से ये पावर ले रखा है कि वो कोई भी स्टूडेंट के कोई भी पेपर के मार्क्स बदल सकते हैं। अब बदल सकते हैं मतलब कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। काफी बच्चों को ये लगता है कि मॉडरेशन मतलब मार्क्स कम ही होते हैं, ऐसा नहीं है, मार्क्स बढ़ाए भी जा सकते हैं।
बढ़ाई भी जा सकते हैं। अब भगवान को भी नहीं पता कि क्या होता है, कॉपीज में खैर अब दिख भी जाता है, और काफी बार यही देखा गया है कि मार्क्स स्लैश किए गए हैं, घटाए गए हैं, बढ़ाने वाले इंस्टेंसेस बहुत ही रेयर होते हैं, पर वो थेरोटिकली बढ़ाए भी जा सकते हैं। अब मुझे इसी इस क्लॉज से भी प्रॉब्लम है कि अगर आप रीचेकिंग करवा रहे हो, अब कहीं ना कहीं देखो ये दोनों सब रेगुलेशंस कनेक्टेड हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अरे पर अगर वो मार्क्स मॉडरेशन के तहत स्लैश किए गए हैं, तो आप भले पेपर रीचेक करवा लो, रीचेकिंग की वजह से भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मॉडरेशन की वजह से कम किए गए हैं तो उसमें तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, आप फेल के फेल ही रह जाओगे। अब इसमें भी अगर आप देखोगे, इसमें जो बहुत एक स्ट्रांग चीज मुझे बतानी है वो यही है, ध्यान दो वर्ड्स पे, ध्यान दो, द काउंसिल में, ठीक है, राइट है उनके पास, में इन इट्स डिस्क्रिशन, ठीक है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने दिमाग से वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। रिवाइज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, पहला है ऑल, कि वो सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज मतलब अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर टू, और अ सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, बस मुझे यही वीडियो में यही हाईलाइट करना है कि जब तक वो ऑल कैंडिडेट है ठीक है, मतलब वो डाइजेस्ट हो सकता है कि भाई ठीक है आप सारे कैंडिडेट्स के कम या ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये क्या है सर जी, सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, और इस पे भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि सेक्शन डिसाइड कैसे होगा। सेक्शन मतलब ग्रुप, कि कौन से ग्रुप के कौन से बच्चे के आप क्यों मार्क्स कम कर रहे हो, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, कहीं भी बताया नहीं गया है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा अत्याचार है जो हो रहा है, कि अगर आप सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो जो भी लॉजिक है, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट होगा, मैं मतलब मानता हूँ, ठीक है, चलो एक टाइम पे मैं ठीक है बोल सकता हूँ, अरे पर ये क्या है भाई, सिलेक्टेड ग्रुप के सिलेक्टेड बच्चों के मार्क्स डिडक्ट करना, मतलब ये कितना सोचो क्या है, ये अनकंस्टिट्यूशनल है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ग्रेव मिस्टेक है कि आप सिलेक्टेड बच्चों के मार्क्स कम कर रहे हो, क्या गलती है उसकी, क्या गलती है उसकी, कुछ भी गलती नहीं है, सब आपके रहमो करम पे बच्चे पास हो रहे हैं, आप डिसाइड करते हो कि कौन पास हो कौन फेल हो, उसके मेहनत का तो रोल आपने पूरा ही मिटा दिया, पूरे मेहनत का पूरा रोल आपने मिटा दिया है, और आपने ये किस्मत का खेल बना दिया है जो कि बहुत गलत है, और कितने बच्चे कितने साल बर्बाद करते हैं, कितने बच्चों के आप पूरे करियर डिस्ट्रॉय कर देते हो, ये आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हम टीचर्स हैं क्योंकि हम डे इन डे आउट बच्चों के साथ बैठते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, हमको पता है कि क्या गुजरती है, बच्चा सब लिख के आता है फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं, या मॉडरेशन के तहत स्लैश किए जाते हैं, वो बच्चा परेशान हो जाता है कि वो अगले अटेम्प्ट में क्या करे, कुछ बचता ही नहीं है, उसने सब चीज़ें पढ़ी हुई है, वो आपकी किस्मत और आपके रहमो करम पे वेट कर रहा है कि कौन से 6 महीने बाद आप हमको पास करेंगे, क्या इस तरह से आप कोर्स चलाना चाहते हो, ऐसी इमेज रखना चाहते हो कोर्स की कितने सालों तक, सोच के देखिए। तो ये मुझे बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग है इसके बारे में कि ये यार लाइन हटनी चाहिए कि अ सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ये नहीं होना चाहिए। देखो सबके साथ हो रहा है ना, तो बच्चे को बुरा नहीं लगता कि देखो सबके 5-5 मार्क कट हुए हैं, तो ठीक है सबके कटे हैं ना भाई, तो बच्चा बुरा नहीं मानेगा, मैं बोलता हूँ वो ठीक है आपके पास एक्ट के तहत राइट है आप, लेकिन सबके काटो ना यार, सबके बढ़ाओ या सबके काटो, ये सेक्शन ऑफ कैंडिडेट, अब ये बहुत सोच के बनाया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई मतलब ये है, हो सकता है सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा हो कि जिन जिन को पास होने के लिए मार्क्स चाहिए उनके लिए हो, अरे पर आप उसको उल्टा यूज कर रहे हो, जिन जिन को फेल करने के लिए मार्क्स जितने कट होने चाहिए आप वो कर रहे हो, अगर वो बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है ये क्लॉज, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये क्लॉज आपको इन फेवर ऑफ स्टूडेंट यूज करना चाहिए, लेकिन भरोसे के उल्टा आप उसको उसके खिलाफ यूज कर रहे हो, जितना जितने मार्क्स है उतने आप स्लैश करके उसको फेल कर रहे हो, और ये बहुत ही दुख देने वाला फैक्ट है जो काफी अभी बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। तो ये है सर, मुझे इस क्लॉज से भी इक्वली प्रॉब्लम है जितना रीवैल्यूएशन से मेरा स्ट्रांग प्रॉब्लम है, इस लाइन से भी मेरा बहुत बड़ा इशू है और इसको भी एड्रेस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इन एनी पर्टिकुलर पेपर और पेपर्स और इन एग्रीगेट इन सच मैनर एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ पास परसेंटेज प्रोवाइडेड इन दिस रेगुलेशन, और वो सेक्शन के लिए भी दिया हुआ है, सेक्शन यूज इन दिस सब रेगुलेशन रेफर्स टू द कैटेगरी, बराबर, कैटेगरी ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हुज आंसर्स पेपर आर इवेल्युएट बाय एग्जामिनर एंड सच अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज मे बी
स्पेसिफाइड द काउंसिल, और भगवान जाने उन्होंने कहाँ स्पेसिफाई किया है, कोई इसका ऐसा रूल नहीं है, कोई इसमें डिस्क्लोजर नहीं है कि ये ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है, या हर पेपर में उन्होंने हर एग्जाम में कैसे वो ग्रुप डिसाइड किया, इसका कोई डिस्क्लोजर, इसका कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो सर ये थे दो पॉइंट्स जो मुझे लगा कि हर सीए के बच्चे को, हर सीए एस्पिरेंट, वो कोई भी लेवल पे हो, फाउंडेशन या इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल पे हो, उसको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ क्या क्या गलत बातें हो रही हैं, वो क्यों फेल हो रहे हैं, उनको सबकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सर सब रेगुलेशन टू भी है जो इक्वली स्टूडेंट का नुकसान कर रहे हैं, स्टूडेंट को पैनिक या एक फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि वो मॉडरेशन के तहत उनके सिलेक्टेड बच्चों के मार्क्स कट किए जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ रुकनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कुछ आपको भी लगता है इसके बारे में, क्या आप फील करते हो, आप कमेंट कर सकते हो। नेगेटिव कमेंट्स को मैं इग्नोर करता हूँ, आपको पता ही है, मैं डिलीट कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा, फालतू कमेंट्स पे मैं अपना टाइम अब वेस्ट करना बंद कर दिया हूँ। कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स अगर आपके पास है, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस अगर आपके पास है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस दैट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।